अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ स्ट्रीट फूड विजिटर हसन अस्वानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको हैदराबाद कॉलोनी, जो कि जस्ट अपोजिट जेल चौरंगी के हैं, वहाँ लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे अचार की शॉप पे, जो कि इंतहाई शानदार किस्म के हैदराबादी अचार लोगों को मुहैया करते हैं। तो ये 1954 से यहाँ पर मौजूद है। थर्ड जनरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है। इनकी क्वालिटी जो है, पूरी कराची से लोग आते हैं यहाँ से अचार लेके जाते हैं। तो दादा, एक्चुअल हैदराबादी स्टाइल जो होता है, चूँकि ये लोग खुद भी बेसिकली हैदराबादी हैं, तो जाहिर सी बात है वो आला तरीन जो मेयार है हैदराबादी का होता है, ख़ास स्टाइल, वो स्टाइल ये आवाम को देते हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे फवाद साहब से, जो कि इस वक्त यहाँ पर थर्ड जनरेशन में इनके ऑनर हैं। तो चलें, चल के चेक करते हैं और आपको दिखलाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है। तो आए मेरे साथ। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त मैं फवाद साहब के पास मौजूद हूँ और इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। फवाद भाई, कैसे हैं आप? तरीके से? अच्छा फवाद भाई, कितना अर्सा हो गया आप लोगों को? थर्ड जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन है तो माशाल्लाह से आपका मेयार, तो मैं खुद आपका रेगुलर कस्टमर रह चुका हूँ और मुझे पता है, और रश भी मुसलसल रहता है। तो कौन कौन से आइटम आप लोग अचार में, कितनी वैरायटी है आपके पास? कम से कम 30-40 किस्म के अचार हैं। 30-40 कौन सी बहुत ज़्यादा फेमस है? उसमें ऑयल वाली कैटेगरी भी आती है, ठीक है, विनेगर में भी आती है, ठीक है, और मसाले सिरके वाला भी आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर ऑयल में अगर आप बोलेंगे तो मिक्स अचार की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मिक्स हैदराबादी मिक्स अचार, ठीक है। वो ये है जी, हाँ, ये वाला मिक्स अचार, हैदराबादी मिक्स अचार ये वाला है, देखें। और ये वो रिश्ते का अचार है, रिश्ते का अचार है, हाँ, वो ये रेशे से रिश्ता हो गया। और ये मैं इसका गवाह भी हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत शौक से खाता हूँ। ये मैं इनसे ये लेके जाता हूँ, रिश्ते का अचार है, एक इमली का अचार है, ये चीज़ें इनकी, और जाहिर सी बात है बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के अचार हैं। अच्छा, फ्रोजन आइटम भी बनाते हैं आप, जैसे ये क्या चीज़ें खोल गई, ये बगार, ये भी प्योर हैदराबादी स्टाइल है, प्योर हैदराबादी स्टाइल में। इसके अलावा जो है वो भी है। अच्छा, मिर्चों का सालन भी, मिर्चों का सालन भी है वो, ये मैं आपको मिर्चों का सालन भी दिखाता हूँ। ये मिर्चों का सालन है। इसकी कितनी क्वांटिटी? हाफ के जी के पैकेट्स होते हैं, तो इसके क्या प्राइस है वैसे? ये 150 का होता है। अच्छा, जो मतलब ये वो भी बना रहे हैं फ्रीज को। अच्छा, ये आलू बुखारी की चटनी बेस्ट क्वालिटी है और प्योर, आई थिंक बिल्कुल प्योर होगा ये, है ना, प्योर आलू बुखारी की प्योर चटनी, ये इसकी पैकिंग है, इसकी आलू बुखारी की पैकिंग है। तो ये पैकिंग में कितने का है? ये 250 की बोतल, 250 की बोतल। और ये आलू हाफ के जी 200 की। अच्छा, इसी किस्म के बहुत सारे अचार हैं, तो अगर मैं वो सब एक एक करके बताता रहूँगा तो यकीन कीजिए कि कई घंटे की वीडियो अपलोड हो जाएंगी। बहरहाल मैं आपको अभी सारी चीज़ें दिखला दूंगा और आपको इनका सही जो लोकेशन है वो भी बताऊंगा, और मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ, 110% गारंटी से कहता हूँ कि वो आप पूरी कराची में कहीं से भी अचार ले लें, हैदराबादी या नॉर्मल किस्म के अचार, लेकिन एक्चुअल अगर आपको हैदराबादी अचार लेना है तो चटकारे फूड के नाम से हैदराबाद कॉलोनी जस्ट अपोजिट जेल चौरंगी के बिल्कुल सामने पहली गली में मौजूद है यहाँ पर। और ये थर्ड जनरेशन है, तो 54-55 साल तकरीबन हो गए ना, 54-55 साल हो गए। फवाद भाई बहुत अच्छे तबीयत के इंसान हैं और माशाल्लाह से इनकी पर्सनैलिटी जो है वो, होना तो इनको हीरो चाहिए, ये वैसे भी अपने काम के हीरो हैं, तो इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अभी मैं आपको समोसे और जो और दूसरी चीज़ें वो भी आपको, वो तो मैं आपको चेक करके भी दिखलाऊंगा, फिर बताऊंगा कि उसका जायका कैसा है, तो आइए वो भी चेक करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, जो ये बहुत मज़े की चीज़ है, दही बड़े मैं आपको दिखाऊं, ये भी प्योर हैदराबादी स्टाइल। ये फुलकियाँ जो बनी हुई है फवाद भाई, ये किस चीज़ की बनी हुई है? बेसन की बनी हुई है। अच्छा, ये बेसन की बनी हुई है। सिप्तान साहब ज़रा सा देखिए, आप भी खा के बताइए। ये मैं फर्स्ट टाइम आपके यहाँ का चेक कर रहा हूँ, मैंने भगारे बैगन और मिर्चों वाला सालन आपका चेक किया हुआ है,
बहुत कई दफ़ा, तो ये मैं फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह कैसा लगा? काफ़ी डिफरेंट है ये, बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल है ना। दही बड़े खाते रहते हैं लेकिन ये कुछ अलग है। अच्छा, इसमें फवाद भाई, ये जो ऑयल कौन सा यूज करते हैं आप लोग? कुकिंग ऑयल, नॉर्मली कुकिंग ऑयल। और ज़ाहिर है रेसिपी तो आप नहीं बताएंगे, वरना मैं जाके दुकान खोल लूँगा, तो आप रेसिपी तो नहीं बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त, ये यकीन करें आप, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जब आप ये लेके जाएंगे खाएंगे तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। अमेजिंग, ट्रू, दिस इज़ अमेजिंग, बेहतरीन। काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट है जो फुल्की है, ऊपर से थोड़ी सी कड़क कड़क सी लग रही है। इसके इसके अंदर तक जायका जो है अंदर तक बसा हुआ जायका है। अच्छा, वरना ज़्यादातर ये होता है कि अंदर जो है ना शोरबे का जायका नहीं आता, शोरबे का जायका नहीं आता। अच्छा फवाद भाई, ये जो है क्या चीज़ है ये? इसको हलवा होता है चने की दाल का। अच्छा 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 अच्छा, ये देखें, ये एक नई चीज़ है, ये एक नई चीज़ है, मीठी पूरी, इसके अंदर चने का हलवा है। गुड गुड, ये देखें चने का हलवा, माशाल्लाह। हाँ हाँ, ये देखें चक्के देखें आप, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना क्रिस्पी है जो वो टूटे जा रहा है, यूनिक है, अलग है, बहुत ज़बरदस्त। चने का हलवा अंदर से निकाल के मैं खा के बताता हूँ। नहीं वाकई इसमें जायका बहुत बहुत ज़बरदस्त है भाई, रेडी यूनिक चीज़ मिली है बिल्कुल ये। अच्छा, ऑयल खाते हुए ऑयल का भी अंदाज़ा हो जाता है कि ऑयल फ्रेश नहीं है, तो उसमें एक अजीब सा भारीपन आता है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं आपको दूसरी, मेरी रमज़ानों में जब रोज़ों से रखते हैं तो मेरी ख़ास फेवरेट चीज़ होती है ये मिर्चें भाई, ये तो मुझे भी पसंद है ये मिर्चें। मैं तोड़ के दिखा दूँ आपको ये, ओ भाई यहाँ तोड़ना पड़ेगा, ये देखे ज़बरदस्त, इसी में से खा गया था कुछ, लेकिन मैं तो पूरा नहीं खा सकता, ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाकई मज़ा आ गया भाई, और खाना तो खा लो, बाद में खा गया कैमरे के पीछे, कैमरे पकौड़े पकौड़े खा गए थे, बहुत ज़बरदस्त स्वाद दे लूँ सही तरीके। अच्छा, इसके अंदर मिर्ची के अंदर जो मसाला डालते हैं उसमें इमली का भी, इमली की कटाई होती है, इमली की कटाई होती है, और ज़ाहिर है और दो तीन आइटम डालते होंगे वो, जो रेसिपी होती है जो कोई भी नहीं बताता। ये भी डिफरेंट है और प्योर हैदराबादी है, हम बाद में अभी और मज़ीद खाएंगे। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आलू के पकौड़े, नॉर्मली आलू के जो पकौड़े, लेकिन बना हुआ ये हैदराबादी स्टाइल का ही है ना, लीजिए। आज सब कुछ डिफरेंट ही मिल रहा है भाई, वो ज़बरदस्त प्योर हैदराबादी, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये भी यकीन करें आप डिफरेंट है, स्मूथ कितना हो रहा है। हाँ, अच्छा, अंदर अक्सर हमने बाज़ारों से जो हम लेते हैं, आलू जो होता है वो थोड़ा सख्त होता है, गर्म है बिल्कुल, वो गल नहीं पाता है ना, ये बिल्कुल। लेकिन ज़ाहिर इनके इनका कुकिंग का एक स्टाइल होगा, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ये चीज़ जो हमने ट्राई की, तीसरी चीज़, ये भी आउटस्टैंडिंग है, समोसे है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये आपने मीठी पूरी खाई, इसमें नमकीन होती है, ये खीमा होता है इसके अंदर, हम लोग इसको लुकमी बोलते हैं, लुकमी, हैदराबादी लुकमी कहते हैं। हैदराबादी जो स्टाइल है या जो इस चीज़ का नाम है वो लुकमी कहलाता है। इसके अंदर क्या है, कीमा होता है, ग्राइंड किया हुआ कीमा होता होगा, उसके मसाले होते होंगे, भुना हुआ कीमा होता है। तो ये समझ लें कि ये कुछ ज़्यादा बेहतर होने वाला है भाई, क्योंकि कीमे की वैरायटी जो है ना, देखिए कीमा बड़ी आला होती है, लुकमा यानी क्या, इसको लुकमी, लुकमे को प्लस किया, ये लुकमी कर दिया इन्होंने, ये देखें ये लुकमी है, और ये लुकमी जो है, मैं सिप्तेन भाई, कीमे वाली साइड तो आपने ले ली है भाई, भाई मेरी मर्जी, मैं तो सही तरह खाऊंगा ना यार, बातों बातों में इंसान जंग तो जीते ना यार, क्यों भाई, अरे इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह वाह। अच्छा, कीमा भी खाने में लग रहा है फ्रेश है, फ्रेश है,
वरना बाजार में जो जैसे समोसे वगैरह खाते हैं उसमें चीमे में थोड़ी सी हीट वगैरह आती है, थोड़ी सी स्मेल भी आ जाती है। अच्छा, मसाला भी ऐसा है कि कोई बच्चा भी खा सकता है? नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल मसाला है। अगर आपको इसका टेस्ट मजीद डेवलप करना है तो आप किसी चटनी में डुबा के खाएं, है ना, लेकिन ये आप खाली भी खाएं तो चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त भाई, मेरे हिसाब से तो 100 में से 100 नंबर मिल रहा है इसको। ये कीमा भाई पार्सल भी लेके जाएंगे, कीमा समोसा है। ये लो समोसा। अच्छा, इसमें ये आलू के समोसे, नॉर्मली आलू के समोसे बट हैदराबादी मसालों के साथ, है ना। ये भी मैं आपको तोड़ के दिखलाऊंगा। वाओ वाओ वाओ, ये देखो इसका कलर भी, मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, मिर्चें भी नज़र आ रहे हैं, आलू भी फ्रेश फ्रेश है। स्मेल भी आपको बताता हूँ, बहुत ही अलग स्मेल है भाई, खा के देखो। मैं ये खाऊंगा, आप ज़्यादा ये खाइएगा, ज़बरदस्त माशाल्लाह। देते ना ज़्यादा नहीं, पहले आलू वाला खाएं। अल्लाह ताला जो फराम कर रहा है उस पर सब्र और शुक्र करें। माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह वाह, यकीन करें आप, इसका भी टेस्ट डिफरेंट है। मतलब ये आलू है तो आलू के समोसे, मगर जो हैदराबादी स्टाइल होता है ना खास, वो चीज़ है, वो बिल्कुल अलग है, इससे डिफरेंट कर देता है दूसरी जगहों से। तो इनके पास फ्रोज़न आइटम्स भी होते हैं, वो मैं भी आपको दिखलाऊंगा। जो ये लोग यहाँ से जैसे शामी कबाब, किस किस चीज़ के, बीफ के, चिकन के, शामी कबाब, ये फ्रोज़न चिकन कोफ्ते भी, मैं भी आपको दिखलाऊंगा। ये फ्रीज़र में रखते हैं, वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ। तो ये बात तो डन हो गई है कि यहाँ कुछ अलग है, क्योंकि जैसे ये पकौड़े, ये आलू के समोसे, कीमे के समोसे, इस टाइप की चीज़ें तो हम खाते रहते हैं असल में, लेकिन यहाँ हर चीज़ का अलग जायका है। असल में इनकी इंफ्रादियत ही इसी वजह से है कि ये हैदराबादी स्टाइल है, इनका खास स्टाइल है। वहाँ ये है भगारे बैगन, ये मिर्चों का सालन हाफ के जी ये बना कर रखते हैं, और ये खुबानी का मीठा, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी मिलेंगी। इंशाल्लाह ताला आपको हम बेहतरीन बेहतरीन उन जगहों पे लेके जाएंगे जहाँ का मियार बहुत आला है। ये है फ्रोज़न कोफ्ते, बीफ चिकन है, ये चिकन कोफ्ते हैं, ये रखते हैं। ये कितने का एक है? 200 का 6 पीस है। और ये शामी कबाब है, ये देखो शाम फ्रीजन है, ये शामी कबाब फ्रीजन के फ्रीज किए हुए हैं। इसके अलावा ये इनकी, अच्छा ये देखें, ये पराठे हैं, और ये भी मेरे ख्याल में 6 पीस है, इसमें 6 पीस है, ये भी 6 पीस है। तो पराठे के 6 हैं और पूरी के, ये नॉर्मल पराठे हैं, नॉर्मल फ्रोजन हैदराबादी स्टाइल है, ठीक है। नहीं, नॉर्मल फ्रोजन हैदराबादी स्टाइल है, हम इनके तमाम मामलात में। अच्छा, ये चिकन है, ये बीफ है, ये देखिए, ये बीफ 6 पीस बीफ है। ये कितने का सर? 140 का पैकेट है, 140 का 6 पीस का पैकेट है। तो ये फ्रोजन आइटम्स जो होते हैं वो भी इनके पास मौजूद होते हैं, और मतलब है कि ज़िंदगी आसान कर दी गई है, ज़िंदगी आसान इस सेंस में कर दी गई है कि टाइम नहीं होता, टाइम का इशू होता है, सर्विसेज, ऑफिसेज, ख़वातीन अपने घरों में मसरूफ रहती हैं, बच्चों को लंच में स्कूल लेके जाना है, तो फ्रोज़न आइटम बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ही तैयार करते हैं, वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत में है। तो व्यूअर्स, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अलग नज़र आएगी। बहुत मज़े की और बहुत साफ़ सुथरा आइटम हमने चेक किए, खाए भी। और चूँकि सालन जो इनके पास बने हुए भगारे बैगन, और वो मैं आपको सॉरी मिर्चों का सालन है, भगारे बैगन है, वो भी तैयार होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसका लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया है, चटखारे फूड नाम है इनका शॉप का, और ये फवाद भाई से इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।